अब जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है खूनी खजाना। शहरे बगदाद के एक चौराहे पर एक बूढ़ा फकीर जो अंधा है बैठा भीख मांगता रहता है, लेकिन इसके भीख मांगने का अंदाज बड़ा अजीब है। जब कोई इसे भीख देने की कोशिश करता है तो वो कहता है, बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कुछ देने से पहले मुझे एक थप्पड़ मार दे। सुनने वाला बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि भला इस बूढ़े फकीर के थप्पड़ क्यों मारा जाए। वो इससे कहता है, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुझे कुछ देना है तो दे, वरना अपने काम से लग, लेकिन अगर कुछ देना है तो पहले एक मुझे थप्पड़ मार दे, इसके बाद मैं तुझसे कुछ लूंगा, वरना खबरदार मुझे कुछ देने की कोशिश मत करना। एक दिन एक सौदागर इधर से गुजर रहा था। बूढ़े फकीर को देखकर उसे रहम आया और उसने कुछ सिक्के बूढ़े फकीर को देने की कोशिश की, तो बूढ़ा फकीर बोला, ठहर जा, पहले मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दे, उसके बाद तुझे जो कुछ देना है दे देना। क्या करूं? सौदागर ने हैरानी से पूछा। थप्पड़ मार दे थप्पड़। नहीं बाबा, तुम मेरी उम्र से बहुत ही ज्यादा बड़े हो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो फिर उठा ले अपने सारे सिक्के, मुझे नहीं चाहिए। अंधे फकीर ने गुस्से से कहा और सौदागर हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा, फिर बोला, लेकिन बाबा जरा ये तो बता दो कि तुम थप्पड़ मारने के लिए क्यों कहते हो? बस मेरी मर्जी, अगर तुझे मारना है तो मार दे थप्पड़, वरना अपने पैसे उठाकर वापस जा। नहीं, मैं थप्पड़ मार देता हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? कि आप मुझे बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मत पूछ मुझसे, मेरे दिल के जख्म हरे हो जाएंगे। नहीं बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप थप्पड़ मारने की फरमाइश क्यों करते हैं? बूढ़े फकीर की अंधी आंखों से आंसू बहने लगे, फिर वो बोला, बस तू ये समझ के कि मैं बड़ी मुश्किल से गुजरा हूँ, मेरी कहानी सुनकर तुझे बहुत अफसोस होगा। मैं अब भी तुझसे यही कहूंगा कि मेरी कहानी का ना सुनना ही अच्छा है। लेकिन सौदागर ने कहा, नहीं बाबा, मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाइए। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो सुन। मेरा बाप इस शहर का बहुत मशहूर सौदागर था। जब वो मरा तो मेरी उम्र तकरीबन 25 बरस की थी। मेरे बाप ने इतनी दौलत जमा कर ली थी कि अगर मैं इसे संभाल कर रखता और कोई और कारोबार कर लेता तो जिंदगी भर इत्मीनान से रहता और मेरी औलाद की गुजर बजर अच्छी तरह से होती। मगर मैंने सोचे समझे बगैर इस दौलत को लौटाना शुरू कर दिया। मैं खूब सैर व तफरी करता, जुआ खेलता, बहुत घूमता फिरता। थोड़े दिनों में बहुत सारी दौलत फजूल खर्ची में तबाहो बर्बाद हो गई और जब मैंने निगाह दौड़ाई तो मुझे पता चला कि मेरी दौलत तो बहुत थोड़ी सी रह गई है, अब क्या करूं? बहुत दिन तक सोचता रहा। इसके बाद मैंने बहुत से ऊंट खरीदे, उस पे सौदागरों का सामान लेकर दूसरे शहर जाया करता था। एक मरतबा मैं अपने खाली ऊंट लेकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक सरसब्ज मैदान नजर आया। थोड़ी देर बाद वहां से एक फकीर गुजरा, मुझे देखकर वो रुका और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ बाबा। क्या करते हो? बस ऊंटों को किराए पर चलाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे खासे दौलतमंद आदमी हो। हूँ नहीं बाबा, मैं था, मगर मैंने अपनी सारी दौलत बेवकूफी से लुटा दी, अब सिर्फ इन ऊंटों की कमाई से ही गुजारा करता हूँ। मैंने उससे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? अगर तुम खिलाना चाहो तो खिला सकते हो। चुनाचा मैंने खाना निकाल कर उसके सामने रखा और बूढ़े फकीर के साथ ही खाना खाया। जब हम दोनों खाना खा चुके तो बूढ़े फकीर ने कहा, तेरा हाल सुनकर मुझे तुझ पर बहुत तरस आता है,
मैं तुझे एक खजाने का पता बताता हूँ। तू अपने सारे ऊंट वहां से भर लाए तब भी वो खजाना खत्म ना होगा। ये सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने फकीर से कहा, क्या आप सच कह रहे हो बाबा? मैं फकीर हूँ, झूठ नहीं बोलता। मगर आपने खुद ये खजाना हासिल क्यों नहीं किया? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें राज रखा जाए तो ही बेहतर है। वो खजाना यहाँ से कितनी दूर है बाबा? मैं बताता हूँ तुझे। वो सामने जो तुझे एक टीला नजर आ रहा है ना, उस टीले में बहुत बड़ा खजाना है। क्या आप मेरे साथ वहां तक चलेंगे? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं फकीर के साथ ऊंट लेकर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर फकीर ने कहा, मेरे साथ अंदर आ। मैं उस फकीर के साथ गार में दाखिल हो गया। अब जो मैंने अंदर जाकर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने तो हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। मैं उन्हें देखकर पागल हो गया था। मैं आगे बढ़ा। मैंने दामन में हीरे जवाहरात भर भर के निकाले, फिर उन्हें ऊंटों पर लादने लगा। उधर फकीर भी कुछ मसरूफ था। वो आगे बढ़ा और उसने बहुत ही खूबसूरत डब्बे से एक सोने की डिबिया बाहर निकाली और उसे खोल कर देखा और जेब में रख लिया। मैंने सोचा कि फकीर से डिबिया का हाल जरूर पूछूं। बहरहाल मैंने खजानों के अंबार ऊंटों पर लाद दिए और फकीर ने कोई दुआ पढ़कर फूंकी और उसके बाद टीला फिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था। हमने उस खजाने को महफूज किया और उस खजाने को लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में फकीर ने कहा, अब ये खजाना हमें हासिल हो गया है तो हम ईमानदारी से इसे आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि फकीर मुफ्त में आधा खजाना ले जाएगा। अगर ये सारा खजाना मेरा ही हो तो क्या हर्ज है? ये सोचकर मैं इस लालच पर गौर करने लगा और थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने फकीर से कहा, रुकिए फकीर साहब। और वो रुक गया और मैंने फिर उसके पास जाकर कहा, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पहले से इस खजाने का राज मालूम था तो आपने खुद ही पहले इसे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। मेरे दिल में एक बात आई। मैंने फकीर से कहा, आप तो फकीर हैं, आप इस खजाने का क्या करेंगे? आपने तो दुनिया गुजार ली, आप इसको बेकार अपने पास रखेंगे। बहुत बड़ा खजाना है ये, तकरीबन 40 ऊंट आपके हिस्से में आए हैं। इन 40 ऊंटों का खजाना लेना आपके लिए बेकार ही होगा। आपको इसकी निगरानी और हिफाजत में बड़ा वक्त दरकार होगा। आप तो इबादत भी करते हैं, आपकी इबादत में भी खलल पड़ेगा। ये सुनकर फकीर बोला, हाँ भाई, कहते तो तुम ठीक हो, फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 10 ऊंट आप मुझे दे दें, बाकी खजाना चाहे तो आप रख लें। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। फकीर ने 40 ऊंटों में से 10 ऊंट मुझे दे दिए और अब उसके पास 30 ऊंट रह गए। मगर मेरा लालच और बढ़ गया। कदम कदम पर शैतान मुझे उकसाता रहा। थोड़ा फासला तय करने के बाद मैंने फकीर से कहा, बाबा जी, क्या आप थक गए हैं? हाँ भाई, थक तो गया हूँ। जाहिर है बड़ा लंबा सफर है और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँ? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप इन ऊँटों में से 10 ऊँट और मुझे दे दीजिए, आपके पास 20 ऊँट रह जाएंगे, फिर आपको और आसानी हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी, ले लो। फकीर ने खुशी से कहा। मैंने मजीद 10 ऊंट ले लिए। गर्ज ये था कि मैं आगे बढ़े जा रहा था और फकीर से ऊंट मांगे जा रहा था, यहाँ तक कि बाकी ऊंट भी मैंने फकीर से ले लिए। जब फकीर तन्हा रह गया तो उसने मुस्कुरा कर बोला, और कुछ चाहिए तुम्हें? तुमने सारा खजाना अपने कब्जे में कर लिया,
मगर तुम इसकी परवाह मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है। तभी अचानक मुझे वो डिबिया याद आई जो फकीर ने उठाकर अपनी जेब में डाल ली थी। मैंने उसे कहा, बाबा साहब वो सोने की डिबिया भी आप मुझे दे दीजिए, आप इसका क्या करेंगे? सोना चांदी आप जैसे जाहिदों आबिदों को जेब नहीं देता, ये तो हम जैसे दुनियादारों के पास रहने वाली चीज है। फकीर बोला, ये टिबिया तुम मुझसे मत लो, इसे मेरे पास ही रहने दो। वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जब आपने सारी दौलत मुझे बख्श दी है तो इसके सामने इस डिबिया की क्या हकीकत है? इसको ले जाकर आप क्या करेंगे? ये कहकर मैं दिल में सोचने लगा, अगर ये आसानी से डिबिया मुझे नहीं देगा तो मैं छीन लूंगा। फकीर को जैसे ही मेरे दिल का इरादा पता चल गया, उसने जेब से डिबिया निकाली और मुझे कहा, लो, मगर तुम जानते हो कि इस डिबिया में क्या चीज है? मुझे क्या मालूम, आपने निकाल कर इसे फौरन अपनी जेब में रख लिया था, फकीर ने जवाब दिया। इसमें एक मरहम है, अगर इस मरहम को कोई अपनी बाई आंख पर पलकों पर लगाए तो उसे दुनिया भर के छुपे हुए खजाने दिखाई देंगे, और अगर दाई आंख की पलकों पर लगाए तो वो अंधा हो जाएगा। ये तो काफी अजीब बात है, मैं तो समझा इसमें कोई आला चीज होगी। ये बहुत ही आला चीज है, तुम इसे इस्तेमाल करके देखो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर वो तुम्हें ना लगे तो फिर मुझसे कहना। गोया इस डिबिया में मौजूद मरहम को आंख में लगाने से मुझे दुनिया के सारे खजाने नजर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो फिर आप मेरी ये उल्टी आंख पर मरहम लगा दीजिए, मैंने शदीद लालच में आकर कहा, और फकीर ने थोड़ा सा मलहम लेकर मेरी उल्टी आंख पर लगा दिया। और जब मैंने आंख खोली, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मुझे हर तरफ खजाने ही खजाने दिखाई देने लगे। ये खजाने इतने बड़े थे कि अगर मैं इन्हें हासिल कर लेता तो मैं आधी दुनिया का बादशाह बन जाता। मैंने फकीर से कहा, बाबा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर मैं थोड़ा सा मरहम सीधी आंख पर भी लगा लूं तो शायद मुझे और भी खजाने नजर आएंगे। देखो लालच ना करो, खजाने का राज तुम्हें मालूम हो चुका है, तुम अपनी दहनी आंख में भी अगर मरहम लगा लोगे तो अंधे हो जाओगे। नहीं बाबा साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मैं ये खजाना ढूंढूं। मैं भला तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूंगा, देखो मेरी बात मान लो। नहीं नहीं, आप मेरी दाई आंख पर भी मरहम लगा दीजिए। मुझे यकीन हो चुका था कि फकीर अपने लिए भी कुछ रखना चाहता है, इसलिए उसने सारे खजाने मुझे दे दिए थे कि मरहम के जरिए वो दूसरे खजाने तलाश कर लेगा। मैं बहुत जिद करने लगा, मुझे यकीन था कि फकीर मुझे धोखा दे रहा है और मरहम का सही राज मुझे बताना नहीं चाहता। चुनाचे मैं फकीर के सर हो गया। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो फकीर ने थोड़ा सा मरहम मेरी दाई आंख पर भी लगा दिया। अब जो मैंने आंख खोली तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, मैं अंधा हो चुका था। नहीं, जो कुछ नजर आ रहा था वो भी खत्म हो चुका। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। फकीर ने कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, मगर तूने मेरी बात ना मानी, अब अपनी जिद का नतीजा भुगत। मैं फकीर के कदमों में गिर पड़ा और रो रो के कहने लगा, आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए पर मेरी आंखों को अच्छा कर दीजिए। नहीं, तुझे पता है कि लालच क्या चीज होती है, और अगर इंसान लालच से बचे तो समझो उसने दुनिया में हर चीज का खजाना हासिल कर लिया, यही इन खजानों का राज है। बाबा बाबा, आप मेरी आंखें ठीक कर दीजिए, आप मुझसे ये सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अफसोस, अब कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे जंगल में बेयार और मददगार छोड़कर सब ऊंट लेकर चला गया। मैं जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर मारा मारा फिर रहा था कि एक काफिला मुझे मिला और वो काफिले वाले तरस खाकर मुझे यहाँ ले आए। उस दिन से मैं उस चौराहे पे बैठा भीख मांग रहा हूँ,
और जो भीख देता है उससे कहता हूँ कि पहले मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारो, फिर मैं भीख लूंगा, क्योंकि मेरी लालच की यही सजा है। खजाने के राज किसी भी तरह मालूम हो जाए, लेकिन असल खजाने का राज ये है कि इंसान अपने दिल में लालच ना रखे। बस यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सौदागर ने इस अंधे फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। यूं कहें कि आपने वो मरहम मेरी आंखों में लगा दिया है, जिसे देखकर सारे खजाने नजर आने लगते हैं। मैं समझा नहीं। बस मेरे दिल में एक लालच आ रहा था। असल में मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर सौदागरी करता हूँ। मेरा वो दोस्त बहुत ही नेक और ईमानदार है। बहुत अरसे से मैं इसके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, और जो दोस्त हम मिलकर कमा रहे हैं, मैं इसका आधा हिस्सा वैसे ही दे देता हूँ और बाकी हिस्से में काफ़ी हेर फेर कर लेता हूँ। लेकिन आइंदा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि जो कुछ मैंने पहले बचाया है मैं उसे वो भी वापस कर दूँगा। आप यूँ समझ लीजिए कि आपने मुझे वो खजाने का राज बताया है जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, यानी नेकी और ईमानदारी। ठीक है, जो कुछ मैं गंवा चुका तू उसे हासिल कर ले।